फिजिक्स वाला हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बिजनेस में इंटर कर रहे हैं, इंटर करने के बाद में वहां के लोकल प्लेयर को बीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े एडटेक जॉइंट को भी नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। सिर्फ कोचिंग बिजनेस ही नहीं, मार्केटिंग में भी टॉप पर। इसी के साथ साथ लगभग 40 से 50 YouTube चैनल पर भी वो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रहे हैं। कहां शुरुआत हुई थी अलक पांडे की फिजिक्स के एक सिंगल सब्जेक्ट से, is equals to a plus y, यहां से 2y is equals to a, y is equals to a by 2। और आज ऐसा कोई बड़ा एग्जाम या छोटा एग्जाम नहीं है जो अलक पांडे की फिजिक्स वाला कैटर नहीं कर रही हो। इनके एक सिंगल YouTube चैनल का एग्जांपल लेता हूँ। लास्ट 30 डेज में फिजिक्स वाला ने अपने YouTube चैनल पर 3 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज गेन किए और 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर भी मिले उन्हें। और यही चीज अगर आप फिजिक्स वाला के निश के सिमिलर चैनल से कंपेयर करो तो ये नंबर काफी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, ये सेम टाइम पर आकाश, बायजूस, जेई, अनअकैडमी जैसे चैनल ने ऑन एन एवरेज 17 से 36 लाख टोटल व्यूअर्स और 1 से 3 हजार सब्सक्राइबर ही गेन किए, जबकि इन्हीं चैनल और अलक पांडे के फिजिक्स वाला का निश बिल्कुल सेम है। भैया कुछ तो ऐसा कर रहे हैं अलक पांडे आज भी जो इन बाकी चैनल्स में कहीं ना कहीं मिसिंग है। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछले 5 सालों से एडटेक डोमेन में जुड़ा हूं। आई नो अलक पांडे की सक्सेस का रीजन उनके वे ऑफ टीचिंग और सब्जेक्ट एक्सपर्टीज से कहीं ज्यादा है। मतलब एक अच्छा टीचर होना, सब्जेक्टिव नॉलेज होना ही सब कुछ नहीं है। जहां एडटेक कंपनी का मर्जर हो रहा है और कुछ कंपनीज बैंकरप्ट की कगार पर है, वहां अलक पांडे ने ऐसा क्या किया कि वो पूरा एडटेक इंडस्ट्री लीड कर रहे हैं। एज पर 2023 फिजिक्स वाला इज ओनली प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न। मजे की बात तो ये है कि फिजिक्स वाला सिर्फ यूनिकॉर्न को नहीं बीट कर रहा है, छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी वो टक्कर दे रहा है और उनसे आगे बढ़ रहा है उनकी लोकल लोकेशन पे जाके। देखिए, ये सब जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ फिजिक्स वाला की स्टार्टिंग से। थोड़ा सा स्टार्टिंग को समझते और धीरे धीरे उनकी स्ट्रेटेजीज को समझते, शायद उससे आप और मैं कुछ समझ पाए और कुछ सीख पाए। स्टोरी ऑफ यंग अलक पांडे। अगर आप ये समझना चाहते हो कि भैया कैसे एक सिंगल यूट्यूब टीचर यूनिकॉर्न खड़ा कर लेता है, तो उसके पास में जाना बहुत जरूरी है। देखिए, अलक पांडे साहब आपकी और मेरी तरह ना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। अच्छी पढ़ाई उनके पिताजी ने देने की पूरी कोशिश करी होगी, बट प्रयागराज के एक छोटी सी जगह में रहने वाला इंसान जिसके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम चलती रहती है, वो ना तो बहुत अच्छी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन कर सकता है। देखिए, अलक पांडे साहब भी इंजीनियर बनना चाहते थे, और जो भी इंसान समझदारी के साथ में इंजीनियर बनना चाहता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना ही चाहता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब IIT जाने का सपना, और IIT जाना मतलब कोटा, राजस्थान, महंगी कोचिंग, बात वहां से शुरू होती है। अलक पांडे जा नहीं पाए, लोकल कॉलेज में एडमिशन लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते करते लगा कि नई बात बन रही है, ड्रॉप कर दिया। ये टीचर का फितूर कहां से आया पता है आपको? देखिए, जब मिडिल क्लास वाली बात आती है ना, तो फाइनेंशियल कंडीशन के लिए एक स्टूडेंट या फिर एक यंग लड़का कम उम्र में कोचिंग लेना शुरू कर देते हैं, और अलक साहब वही थे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में 1-to-1 टीचिंग करना, अपने से कम क्लास के बच्चों को पढ़ाना, ये उन्होंने बहुत बेसिक से पढ़ाना शुरू कर दिया था। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, पढ़ाना आपके खून में होना चाहिए। खून से मतलब ये नहीं कि पापा टीचर थे तो आप भी टीचर बने, नहीं, ये आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा। टीचिंग स्किल्स डेवलप हुई है बहुत सालों से। और फिर चली बात यूट्यूब पे। अलग साहब का छोटा सा बैकग्राउंड ना इतना कुछ सिखा रहा है हमें, जो यंग टीचर है ना उनको समझना पड़ेगा कि फिजिक्स वाला की जर्नी कोविड से नहीं शुरू हुई, 8th क्लास से पढ़ा रहे हैं वो, वहां से शुरू हुई। अलक पांडे साहब वैल्यू तो प्रोवाइड करते थे, पर आजकल वो अपने कोर्स भी बेचते हैं। उसी तरीके से मैं भी वैल्यू तो प्रोवाइड कर रहा हूँ, मगर आप अपना स्टूडियो सेटअप कराना चाहते हैं, डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं, कैमरा लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपको अपने लोकेशन पर आकर ये सब कराएगी। बिलीव करिएगा, एक एक चीज में मैं आपके साथ खड़ा हूँ टेक्निकली, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। ऑफलाइन कोचिंग टीचर टू यूट्यूब गुरु।
ये जर्नी भी बड़ी शानदार रही। अब देखो, अलग साहब को पता था कि भाई अब उनको पढ़ाना है, फिजिक्स में हाथ अच्छा था, आसपास की कोचिंग में या खुद किसी बच्चों को वन टू वन कोचिंग कर कर इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अब ये ऐसे ही IIT JEE की प्रिपरेशन करा रहे थे, और जिनके आप प्रिपरेशन करा रहे थे उन्होंने बहुत ही उनको अप्रिशिएट करते हुए एक बात कही थी, ये मैंने कहीं सुना है उनके इंटरव्यू में, कि इसी तरीके से चलते रहे तो एक टाइम पे 7,000 बच्चों को एक साथ पढ़ाओगे। और यही बात अलग साहब को लग गई। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। एक बात समझना, भारत में कुछ ही टीचर थे जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हो जिन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा। 2014 में इन्होंने स्टार्ट करा अपना YouTube चैनल। 2014 आज के टाइम पे तो टीचर्स और क्रिएटर्स की भरमार है, 2014 में ना बहुत लिमिटेड होते थे, और अलग सर उनमें से एक थे। जो विजनरी होते हैं ना वो आज विजनरी नहीं बनते। 2014 में उन्होंने सोच लिया था कि भाई YouTube पे आके पढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि बच्चों का पेन पॉइंट को भी बहुत अच्छे से समझते थे। 17 किलोमीटर मेरा कॉलेज जो था दूर था, तो आने जाने में काफी टाइम वेस्ट हो जाता था। तैयारी करते थे और ट्यूशन पढ़ाते थे। आप अगर नहीं होते ना तो मैं आज यहाँ नहीं होती। थर्ड क्लास से मुझे मजदूरी करना पड़ा, मैं सेब उतारने जाता था तो सोते 3 घंटे थे, मतलब यही स्ट्रगल थी, वरना तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती। मार्केटिंग इन बिल्डिंग कम्युनिटी, ऐसी थोड़ी YouTube पे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया इस बंदे ने। स्टार्टिंग के दौर में इनको भी YouTube समझ में नहीं आता था। इन्होंने ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए, आप सोच के देखो, इन्होंने अपने वीडियोस में भी और कहीं पर देखा है, मैंने पढ़ा भी है, कि ₹50 पर सब्सक्राइबर देने की बात तक रख दी। पर ऐसे YouTube ग्रो नहीं होगा। पर ऐसे शुरुआती दौर पे इन्होंने हर वो तरीका अपनाने की कोशिश करी। 2014 में ना ऐसे वीडियो भी नहीं होते थे कि ऐसे ग्रो कर लो, ऐसे ग्रो कर लो, वैसे ग्रो कर लो, सब कुछ खुद से ही सीखना पड़ता था। अलग साहब ने खुद से ही सीखा है। अब देखो, 2017 में अलग साहब ने दो बड़े चेंजेस अपने YouTube चैनल पर करे। पहला चेंज क्या था? तो पहला चेंज, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और फुल टाइम YouTube टीचर बन गए। दूसरा बड़ा चेंज जो आज हर एक टीचर को अपनाना चाहिए, हर एक क्रिएटर को अपनाना चाहिए, उन्होंने अपने कंटेंट को नैरो डाउन कर दिया। फिजिक्स वाला मतलब फिजिक्स वाला, ICSE बोर्ड का फिजिक्स वाला। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ICSE बोर्ड के फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाया, और उसी समय पर उन्होंने गेन करे 10,000 सब्सक्राइबर। ये दो बड़े लेसन आपको समझना पड़ेंगे अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। अपने कंटेंट के सेगमेंट को नैरो डाउन कर दो। एक टीचर शुरुआत करता है यूट्यूब पे या कोचिंग पे तो बैंकिंग, SSC, UPSC, MPSC अकेला है, 4 लोगों की टीम भी ढंग से नहीं है, पर सब पढ़ाना है, बोर्ड पे सब कुछ लिख देता है। जेक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ। आप आज भी अलग पांडे साहब को देखोगे तो एक फिजिक्स का टीचर हाथ पर पाई बनाए हुए ही दिखेगा। यही बात ने उन्हें अलग बनाया। देखिए, जहां पर उस समय पर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए लाखों रुपए देना पड़ते थे, वहां बच्चों को एक शानदार अतरंगी सा टीचर समझ आने लगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में मटेरियल देने लगा। YouTube धीरे धीरे ग्रो करता गया। 50,000 के बाद में पेंडेमिक आया और हो गए 8 मिलियन सब्सक्राइबर, और इंडस्ट्री के टॉप चैनल में से एक चैनल बना फिजिक्स वाला। अब इनकी पूरी ग्रोथ किस्मत थी या मेहनत, आइए जानते हैं व्हाट वर्क फॉर फिजिक्स वाला हियर। मूव थ्रू स्टोरी टेलिंग। काफी लोग फिजिक्स वाला के बारे में ये चीज नहीं जानते कि उनका पहला फैसिनेशन टीचिंग या फिजिक्स नहीं था, बट एक्टिंग था। इसी के चलते स्टोरी टेलिंग से वो इतने जुड़े हुए थे कि उन्होंने उसे हर उस चीज में ब्लेंड कर दिया जो वो करते गए, जैसे कि फिजिक्स, टीचिंग या मार्केटिंग। एक मास्टर स्टोरी टेलर होने की वजह से उनकी क्लासेस इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग तो बनी ही, साथ ही साथ उन्हें एक इन्फ्लुएंसर गुरु का टाइटल भी मिला। क्लास के दौरान अक्सर वो अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरीज और स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करते थे, जो कि एक मोटिवेशनल और इम्पैक्टफुल होती थी, जिससे उन्होंने सच में अपने लिए स्टूडेंट के दिल में एक जगह बना ली और एक इमोशनल वे में अपना बहुत बड़ा फैन बेस बना लिया। यही है उनकी सक्सेस का सच राज। एक स्टोरी टेलिंग जहां पर दूरदर्शन की तरह बोरिंग तरीके से पढ़ाने वाले टीचर थे, वहीं फिजिक्स वाला एक स्टोरी टेलर के रूप में, एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में सामने आए, और उन्होंने इतनी कठिन चीजों को बड़ी आसान भाषा में बनाया और बच्चों के साथ अपने इमोशन शेयर किए और बच्चों को इमोशनली कनेक्ट किया। एडिंग वैल्यू टू कम्युनिटी।
अलग साहब को पता था कि आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे अगर फिजिक्स पढ़ना चाहे तो उन्हें बड़ी बड़ी कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है, तभी जाके उन्हें एक लेवल की एजुकेशन मिल पाती है। अब उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने सारे भारत के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, और यही बात स्ट्राइक कर गई। आज के टाइम पे नहीं करेगी, पर उस समय पे करी, क्योंकि आज के टाइम पे अनअकैडमी और बाकी चैनल्स ने तो सब कुछ ने फ्री में पढ़ा के ऐसा कर दिया कि यूट्यूब को तो जी का जंजाल बना दिया है। ठीक है, तो बच्चा आजकल यूट्यूब पर पढ़ने नहीं आता, पर उस टाइम पे आया। देखिए, सही समय पर सही चीज हो जाए तो काम किए। अब देखो, फिजिक्स वाला साहब ने ना एक बार भी ये नहीं सोचा कि उनको मॉनेटरी प्रॉफिट चाहिए। वो हमेशा कहते गए कि भैया मुझे तो बच्चों के लिए सोचना है, और यही चीज उनके लिए वर्क करती गई। मुझे समझ में आता है मेरा बच्चा कि वहां क्या तकलीफ है और वहां क्या सॉल्व करना है। 1.5 करोड़ नए बच्चों को छुआ, उन तक पहुंचे, उनको पढ़ाया। आज यूट्यूब के माध्यम से हम 4 करोड़ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं। लगभग मेरे ख्याल से कुछ 28-30 लाख बच्चे होंगे जो हमारे 4-5 हज़ार का कोर्स खरीद के ईडब्ल्यू के ऐप पे आके पढ़ते हैं। आज भी देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने भी अपने शुरुआती चैनल में कभी भी और अभी भी मैं जो भी सॉल्यूशन बताता हूं, चाहे वो स्टूडियो सेटअप का हो या फिर हमारी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो या टीचिंग ग्रोथ से रिलेटेड हो, मैं पूरा 100% देता हूं। मैं इस सोच के साथ में नहीं बनाता कि इस वीडियो से मुझे मॉनेटरी प्रॉफिट क्या मिलेगा। ऐसा ही मोटिव अगर आपका है, सेवा भाव आपका है, तो एक्चुअल में आपको रिटर्न में मिलता भी है। मेरे लिए बहुत आसान होता, या फिजिक्स वाला साहब के लिए बहुत आसान होता कि इनिशियल डेज में वो बच्चों को चार्ज करना स्टार्ट कर देते, पर उन्होंने नहीं चार्ज किया। वो फ्री ऑफ कॉस्ट का नारा लेकर चले और उन्होंने उसी चीज को आगे बढ़ाया। अब देखो, एक अच्छे टीचर की खासियत क्या होती है। अलग पांडे साहब की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस इनिशियल दौर में भी आप देखोगे तो उन्होंने यूट्यूब का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, बच्चों को डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं होते थे। वो कंटिन्यूसली आकर पढ़ाकर कल की बात जो स्टूडेंट ने डाउट रेस करे थे कमेंट के थ्रू, उन्होंने आज उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। अगर फिजिक्स वाला ने कुछ गलत पढ़ाया तो अगले दिन उसे करेक्ट किया। मतलब उन्होंने अपने स्टूडेंट को टू वे कम्युनिकेशन वाली चीजें फील करा दी, और यही होना चाहिए। अगर आप मुझसे भी आज कमेंट कर करके पूछोगे तो मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आपका यूट्यूब चैनल डेड ऐसे नहीं होता, डेड आप कर देते हो, बस वीडियो डाला और भूल गए कमेंट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली टीचिंग के केस में, आपको एंटरटेनमेंट फील्ड में नहीं काम कर रहे हो, आप एक्चुअल में एक ऐसा कंटेंट बना रहे हो जिसपे टू वे कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है, तो आप भी इस चीज को आज के टाइम पे भी इंप्लीमेंट करिएगा। अब देखो, मार्केटिंग के 2 बड़े टूल जो अलग सर ने डेवलप कर लिए थे। अपना प्रोडक्ट बिल्ड करने से पहले आपको अपनी कम्युनिटी या अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है, क्योंकि एक लॉयल कस्टमर बेस आपकी वैल्यू को ऑलरेडी जानता है और आपके प्रोडक्ट और आपके ब्रांड को बनाने में हेल्प करेगा। दूसरा, आपके स्टार्टअप की सबसे बेस्ट मार्केटिंग करते हैं आपके अपने कस्टमर। जब अलग पांडे साहब ने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया तो बात बच्चों तक थी और बच्चों ने उस बात को आगे तक पहुंचाया। आप कई ऐसे YouTube पे वीडियो देखोगे जहां पर उनके खुद के स्टूडेंट फिजिक्स वाला को प्रमोट करते नजर आएंगे। ये वैल्यू दोगे तो 100% ये 2 मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आपको कोई जरूरत नहीं है मेसी को या इंडियन टीम को बायजूस की तरह स्पॉन्सरशिप देने की। आप फिजिक्स वाला की स्ट्रेटजी भी फॉलो कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, एक्चुअल में वैल्यू देनी पड़ेगी अपने कस्टमर बेस को। द बर्थ ऑफ फिजिक्स वाला एडटेक ऐप। अगर आप यहां तक इस वीडियो को देखने आए हो तो आपको ये पॉइंट तो समझना इतना इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा। बेसिकली क्या होता है, मेरा ये मानना है, मैंने इतने टीचर्स और क्रिएटर्स के साथ में काम करके देखा, उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि भैया उनका कंटेंट अच्छा है, उनका नॉलेज अच्छा है तो वो चल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होते रहना है। देखिए, शुरुआती दौर में 2014 में यूट्यूब पर अपडेट हुए अलग पांडे साहब, अब उसके बाद उनकी लाइफ कंटिन्यूअसली चलती रही थी। इसी बीच अनअकैडमी आया, अनअकैडमी ने उनके टीचर्स भी उठाए और उनको बड़े ऑफर भी दिए, वो बिके नहीं। पॉइंट आता है यहां पर, अलग पांडे साहब की टेक्नोलॉजी की समझ को एक्चुअल में आपको अपने आप में डेवलप करना चाहिए। आज के टाइम पे अगर आपको अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करनी है और आपसे ये कहा जाता है कि 10% उस एप्लीकेशन वाली कंपनी को दे दो, आप खुद सोचते हो अरे इतना पैसा कैसे दे देंगे, 100 रुपए कमाते हैं, 90 रुपए अपन रखेंगे, 10 रुपए इसको कैसे दे दे। इस सोच के साथ कई टीचर रुक जाते हैं, पर मैं आपको रियलिटी बता दूं, फिजिक्स वाला की ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन है उनके को फाउंडर प्रतीक सर।
प्रतीक माहेश्वरी सर पेन पेंसिल के ऑलरेडी एक फाउंडर थे। पेन पेंसिल एक ऐसी कंपनी थी जो दूसरे एजुकेटर्स और कोचिंग को एप्लीकेशन बना के दे दी थी। इन्होंने फिजिक्स वाले अलक पांडे साहब को भी अप्रोच किया। उस समय अलक पांडे साहब ने मना कर दिया, पर थोड़े ही टाइम में जब प्रतीक सर ने सही तरीके से उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया भी होगा या फिर जो भी डिस्कशन हुआ होगा, मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट 101% स्कोप दिखाया होगा। और ये बात अलक पांडे साहब जो खुद एक विजनरी पर्सन है उन्हें ट्रिगर कर गई और उन्होंने प्रतीक माहेश्वरी साहब को को-फाउंडर बना दिया, मतलब अपने फिजिक्स वाला में से इक्विटी शेयर कर दी। और प्रतीक माहेश्वरी साहब IIT ग्रेजुएटेड है, उनकी खुद की कंपनी और उनके खुद के कई स्टार्टअप रहे हैं। उनके अपने एक्सपीरियंस से दो लोग मिले, एक टेक्नोलॉजी और एक टीचर, ब्लास्ट हो गया। यही चीज आपको भी अडॉप्ट करनी है। आज के टाइम पे किसी देसी टीचर से बोलो कि भैया मार्केटिंग में 5,000 रुपए लगा दे, वो सोचता है अरे 50 कमा रहा हूं, 5 लगा दूं उससे बचा लूं। इस तरीके से सोच के आप बड़े नहीं बनते। ये बहुत बड़ा लेसन है जो आज हर एक कोचिंग ऑनर, हर एक टीचर को समझना पड़ेगा कि हर चीज आप खुद नहीं रख सकते, आपको शेयरिंग करना पड़ेगी। बचपन में माँ बाप ने सिखाया था हमें, आज शायद बहुत सारे लोग भूल गए। टीचिंग कम्युनिटी के साथ में होता है, छोटे टीचर स्पेशली कभी बड़े नहीं बन पाते, इसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि वो स्पेंड ही नहीं करना चाहते। YouTube से 1,00,000 कमा रहे पर वही उसी YouTube पे मार्केटिंग एडिटिंग और इसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए 20-25,000 रुपए लगाना पड़े, लगाने की हिम्मत नहीं है, सारा पैसा सेव करके रखना है, ऐसे ग्रो भी नहीं हो पाओगे। देखिए जिस दिन फिजिक्स वाला की ऐप लॉन्च हुई उस दिन लिटरली ऐप क्रैश हुआ। यस, इमेंस अमाउंट ऑफ डाउनलोड होने के कारण इस ऐप के सर्वर क्रैश हो गया। लगभग 7 दिन में 300 के डाउनलोड भी हो चुके थे और आज एप्लीकेशन के लगभग 10 मिलियन डाउनलोड, 5,00,000 डेली एक्टिव यूजर एंड 90 मिनट्स ऑफ कंजम्पशन टाइम है। देखिए शुरुआत हुई एक इंसान से, प्रतीक माहेश्वरी साहब की टीम मिली, टीम बड़ी हुई और मजे की बात तो है आज के टाइम पर फिजिक्स वाला कंपनी में 50 लेक्चर साइमल्टेनियसली, 250 से ज्यादा फैकल्टी और 11 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर है। और ये सब पॉसिबल हो पाया कैसे? फिजिक्स वाला प्रतीक माहेश्वरी और उनकी कम प्राइस वाली स्ट्रेटेजी से। हालांकि फिजिक्स वाला के बहुत सारे कोर्स कम प्राइस में नहीं है, बट जो स्लोगन, जो चीज वो लेके चले थे, उन्होंने बड़ा खुल के किया और वही पर्सनल इमोशनल टच मिला। फिजिक्स वाला यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। अभी तक जितनी हमने बातें करी ना, उसको नोट करके रखिएगा, क्या सोचिएगा कि आप इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं और आप इस पर क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अनदर वे ऑफ बिल्डिंग एडटेक स्टार्टअप। देखो यूट्यूब की बहुत छोटी सी कमाई से काम चालू किया, अनअकैडमी आया, अनअकैडमी ने करोड़ों का ऑफर दिया, ठुकराया, प्रतीक साहब आए, जुड़े, आगे बढ़े, ऐसे बढ़ते गए। अब इसी बीच इनको करोड़ों की फंडिंग में मिली। पर आपने एक चीज देखी है, कभी आपने फिजिक्स वाला की ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखी है कि किसी बहुत बड़े टीम को स्पॉन्सर कर दिया या अनअकैडमी जैसे बड़े बड़े हीरो सुपरस्टार को लेकर आए? नहीं। आज की डेट में भी इतना पैसा होने के बाद में आप देखेंगे फिजिक्स वाला की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, स्टेशनरी के बाहर फोटो लगे, बसों पर फोटो लगे है, टैक्सी पर फोटो लगे है, और किसके साथ में? टीचर के साथ में, बीच में खड़े होते अलक पांडे साहब। स्ट्रेटेजी भी वैसी की वैसी ही, खर्च आज भी कर रहे हैं किस चीज पर? आज भी खर्च कर रहे हैं एक्चुअल में टीचिंग क्वालिटी पर, एक्चुअल में टीचर्स को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर कल्चर इतना स्ट्रांग और अच्छा रखा हुआ है, क्यों रखा है? क्योंकि फिजिक्स वाला के अलक पांडे खुद एक टीचर है, वो जानते हैं टीचर को किस चीज की जरूरत है। आप लोग टीम ही ना बना पाओ, ये प्रॉब्लम आती है। मैं पूछता हूँ, टीचर अक्सर पूछते हैं भाई दूसरे टीचर हायर कैसे करें, टीम बिल्डिंग नहीं आता। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आज के टाइम पे अलक पांडे साहब ने पढ़ाना छोड़ दिया है, पर आज भी उसी एग्रेसिव तरीके से बच्चों से कनेक्टेड है। कैसे हो पाया पॉसिबल? सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज किया है उन्होंने। आज भी उनके देखो आप वीडियोज रील्स आते हैं, वो नॉर्मल जब बच्चों से कनेक्ट करते हैं तो उसी फीलिंग उसी एटीट्यूड के साथ में कनेक्ट करते हैं। ना कोई सूट बूट, ना कुछ, सिंपल टी शर्ट जो पहले फिजिक्स वाला थी वो भी आज है। वही सिंपलिसिटी उनको आपको देखने को मिलेगी, कई वीडियोस में देखने को मिलता है। मैंने भी अक्सर कई इस वीडियो को बनाते टाइम मैंने बहुत रिसर्च करी, हालांकि मैं उनको बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ गलत बोला हो तो माफ करिएगा, बट ये सब ऑब्जर्व करने के बाद ही इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करिए। आपको इतना कुछ सीखने को मिल सकता है। मैं कहता हूँ कि आप कुछ नहीं तो फिजिक्स वाला के पुराने वीडियो उठा के देख लो, कितना एफर्ट है उस वीडियो में, चाहे वो बोर्ड पर हो या डिजिटल बोर्ड पर। और आज भी जब भी वो कोई भी मार्केटिंग स्टंट करते हैं या मार्केटिंग वेबिनार करते हैं या मार्केटिंग एड्स करते हैं उनकी टीम में, आप सब कुछ देखो बिल्कुल रॉ है, हर कोई कर सकता है, उनको फॉलो कर सकता है। यही सारी चीजें मुझे आपको बताना थी कि कैसे फिजिक्स वाला इतना पैसा होने के बाद भी वही स्ट्रेटेजी वही बेसिक वे में चल रहा है, इसीलिए तो इतना बड़ा एडटेक बन चुका है कि वो प्रॉफिटेबल है।
भारत में अभी तक मैंने कोई एडटेक तो प्रॉफिटेबल नहीं देखा, फिजिक्स वाला प्रॉफिटेबल है पिछले 3 सालों से। ऐसे वीडियो बनाने में अक्सर मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जितना मैंने समझा वो आप तक समझाने की कोशिश करी है, तो कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा, कुछ गलत बोला हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, करेक्ट कर दीजिएगा, और बस ऐसे कोशिश करते रहेंगे। कभी ऊपर वाले ने चाहा तो यही बातें, सारी बातें जो मैंने आपको सुनाई हैं, वो अलग पांडे साहब के मुँह से भी सुनवाऊंगा इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।